प्रार्थना की कि मुझे कर्ज मिल जाए और मैं अपना 10 बीघा जमीन है बेच के, लेकिन भगवान हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं 8 महीने से इस दरबार से जुड़ी हूँ और इसी आशा में कि मेरे पति स्वस्थ होंगे, डॉक्टर क्या ठीक करेगा, लेकिन गुरु जी जरूर ठीक करेंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है प्रभु। और दरबार तुमको अपनी ओर से 1,00,000 रुपये वापस कर रहा है, ये तुम्हारे लिए। तुम जमीन बेच के आए, 1,00,000 रुपये तुम्हारे वापस। हाँ बेटा, बाबा माँ को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ से उदास होकर के जा रही थी, लेकिन प्रार्थना की कि मुझे कर्ज मिल जाए और मैं अपना 10 बीघा जमीन है बेच के, लेकिन भगवान हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं 8 महीने से इस दरबार से जुड़ी हूँ और इसी आशा में कि मेरे पति स्वस्थ होंगे, डॉक्टर क्या ठीक करेगा, लेकिन गुरु जी जरूर ठीक करेंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है प्रभु। मैं पहले से ही अनाथ हूँ, मैं हमको इन्हीं का सहारा है प्रभु, जीवन दान दे दीजिए। तुम परेशान ना हो, अच्छे होंगे, अभी आज ही बहुत अच्छे हुए, इनको लिटाओ। अंदर चला गया। ये फाड़ दो। ससुर की सर्जरी करें। हवन तो नहीं बैठा, हवन में हवन नहीं बैठे ना, ठीक। हवन में तो नहीं बिठाया ना, ठीक। सर्जरी पूर्ण कर दें, कैंसर पूरे शरीर से कैंसर के जितने भी कीटाणु सब नष्ट कर दीजिए। असल में शुरुआत हुई कौवे से, मुंह का जो कौवा होता है ना, वहाँ से इनका कैंसर शुरू हुआ, तालू से, इसीलिए अंदर अंदर चला गया। अब गुदा द्वार सब कुछ माँ औषधि, पूरे खून में औषधि मिला दीजिए। प्रहार प्रहार शरीर के अंग प्रत्यंग से सभी जगह से। बैलेंस, सब लोग वापस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। बैलेंस, बंधन अपना खींच दो 5 बार ओम नमः शिवाय बोल कर। बैलेंस, आँख खोल लो। उठो बेटा, उठ के बैठो। अब बैठिए, आराम से बैठिए। अब कमजोरी गई है, कोई कमजोरी नहीं है। खड़े होइए, एकदम बढ़िया। ये अंगोछा छोड़िए नीचे। अब चलिए फिर, अब सर्जरी हो गई तुम्हारे कैंसर की, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं कैंसर। चल फिर के आओ, खूब बढ़िया।
खूब तेज चलो, आराम से, ये बहादुरों की तरह। अब क्या बात है, अद्भुत। खूब खुश हो, खड़े हो। क्या नाम है आपका? पाइप पड़ा है ना अंदर, दिनेश। अब कैसा लग रहा दिनेश, कैसा महसूस हो रहा है अब? अच्छा लग रहा है। हाँ, ये खूब भयंकर टीस रहे थे ये सारा। हाँ बिल्कुल, तो अभी आराम हो गया है पहले से? खूब जो कष्ट हो रहा था, भयंकर जल रहा था, टीस थे खूब अंदर, वहाँ हल्का सा बचा है कान, लेकिन कैंसर तो है ही ना, टीस ये सब जा रहा है, निकल रहा है सब, कपाल खोल दिया जाए। लेपन करना है बेटा, वो करते रहे ना। हाँ अच्छा, ठीक ठीक है बेटा, और करना ठीक है। और दरबार तुमको अपनी ओर से 1,00,000 रुपए वापस कर रहा है, ये तुम्हारे लिए। तुम जमीन बेच के आए, 1,00,000 रुपए तुम्हारे वापस, अपना चिकित्सा में अपने लगाना, स्वस्थ हो, खुश रहो दरबार से, और जो सहयोग होगा सब दरबार से। डॉक्टर के पास मत भेजिए, वो बर्बाद कर दिया हम लोग को, हम मत भेजिए प्रभु, अब हम नहीं जाएंगे यहाँ से। मैं गई तो ये बल्कि ठीक थे, पाइप डाला, रेडिएशन किया, सब कुछ करके इनका मुंह फुला के एकदम कहा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, जब एकदम मौत के करार पकड़ के तब कहा कि अब हम नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। नहीं, मैं यहाँ इतना आशा लगा के टिकी थी कि नहीं मेरे पति ठीक हो के आएंगे। मैं अपने गाँव घर सबसे चैलेंज की हूँ कि मेरे पति दरबार से ठीक होंगे। यहाँ जब तक थी अच्छी थी। हाँ बाबा, लेकिन डॉक्टर ने ले जाके क्या रेडिएशन कर दिया डॉक्टर साहब, पूरा और नली वाली सब डाल दिया, छेद डाला, वो और फैल गया। फिर 14 तारीख को डेट, फिर बोले अब कुछ नहीं हो सकता, ले जाओ। हाँ, 14 तारीख को डेट दिया है कि फिर एक जांच करेंगे। फिर 14,000 का जांच लिखा है प्रभु। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो,